इंडिया पे OnePlus ने Note सीरीज में अपना और एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, OnePlus Note 2T 5G। स्मार्टफोन का प्राइस कुछ हमें 29,000 के अराउंड देखने को मिला है, जहां पर 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है। ये वाला स्मार्टफोन आपको अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस वाले वीडियो पे एंड तक आपको मालूम चल जाएगा। फुल डिटेल में बात करते हैं ये वाला स्मार्टफोन क्यों लेना चाहिए या फिर ये वाला स्मार्टफोन लेना क्यों नहीं चाहिए। So, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की। इस वाले स्मार्टफोन में 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला 90Hz एमोलेड पैनल, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 3900 वाला पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 32MP का सेल्फी कैमरा, आउट ऑफ द बॉक्स वाले स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिलता है, एंड वाला स्मार्टफोन 4500mAh बैटरी के साथ देखने को मिलता है 80W फास्ट चार्जिंग के साथ। सो यही कुछ इसके हमें की स्पेक्स देखने को मिलते हैं, एंड इसके और कुछ खास फीचर्स की बात करूं, जिसमें हमें अलर्ट स्लाइडर दिया गया है, पीछे की तरफ मैट फिनिश ग्लास बैक देखने को मिलता है, जहां पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। सो ओवरऑल यही कुछ इसके हमें फीचर्स एंड की स्पेक्स देखने को मिलता है। So, अब बात करते हैं OnePlus Note 2T स्मार्टफोन को OnePlus ने क्यों लॉन्च किया है इंडिया पे। बेसिकली OnePlus ने वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया है OnePlus Note 2 को बेटर ऑप्शन बना के, लेकिन एक्चुअली क्या मैंने ये वाले स्मार्टफोन OnePlus Note 2 से बेटर मिलता है? सो शायद नहीं। तो अब बात करते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो आप Note 2 को अगर Note 2T से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इतना ज्यादा हमें कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन में हमें प्रोसेसर डिफरेंट देखने को मिल गया है, एंड इसी के साथ ही फास्ट चार्जिंग डिफरेंट देखने को मिली है, एंड पहले जो हमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिला था OnePlus Note 2 में, इस वाले स्मार्टफोन में हमें एंड्रॉइड 12 देखने को मिला है। यही कुछ इसके हमें चेंजेस देखने को मिले, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं ये जो चेंजेस किया भी है ये हमें एक्चुअली में कितना ज्यादा डिफरेंस लाता है इन रियल लाइफ। ये जो हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 वाला प्रोसेसर देखने को मिल गया है, ये एक्चुअली में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 से उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। ये हमें सेम ही स्पेक्स के साथ देखने को मिलते हैं, सिर्फ इसका जो मीडियाटेक का हाइपर इंजन था उसका वर्जन हमें चेंज देखने को मिल गया है। डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर में हमें मीडियाटेक का हाइपर इंजन 3.0 देखने को मिला था, एंड मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर में हाइपर इंजन 5.0 देखने को मिलता है। यही सिर्फ हमें इसके प्रोसेसर के की एक्सपेक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ ये वाला प्रोसेसर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 से उतना ज्यादा बेहतर देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये वाला प्रोसेसर उससे हमें बेकार ही देखने को मिलता है। आप अगर इन दोनों चिपसेट के अंतु स्कोर एंड गीकबेंच स्कोर को देखेंगे तो उतना ज्यादा कुछ भी हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और इसी के साथ और एक बुरी बात भी देखने को मिलती है, बल्कि जो हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसमें हमें थ्रॉटलिंग में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 40 डिग्री टेम्परेचर टच होने पर ये वाला स्मार्टफोन थ्रॉटलिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि इसका परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाता है, जो एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड ये शायद OnePlus ने जानबूझकर ही किया होगा, क्योंकि जो पहले में OnePlus Note 2 देखने को मिल गया था काफी सारे ब्लास्ट के न्यूज देखने को मिले थे ओवरहीटिंग के इशू से। तो इसी वजह से शायद OnePlus ने इस वाले स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस कैप कर दिया है, जिससे ये वाला स्मार्टफोन ओवरहीट भी ना हो, जो एक तरफ से हमें अच्छा भी देखने को मिलता है, लेकिन और एक तरफ से हमें बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्रोसेसर का हमें फुल परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। सो ये कुछ हमें परफॉर्मेंस के मामले में देखने को मिलती है। सो आपको मालूम चल ही चुका होगा कि इन दोनों प्रोसेसर में उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं फास्ट चार्जिंग के बात पर। सो जो हमें 65W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल गया था OnePlus Note 2 में, उसके कंपैरिजन में जो OnePlus Note 2T में हमें मिल रहा है 80W फास्ट चार्ज, इसमें भी उतना कुछ हमें बहुत ही ज्यादा खास इंप्रूवमेंट भी देखने को नहीं मिलता। सिर्फ हमें 3 मिनट्स का गैप देखने को मिलते दोनों स्मार्टफोन्स को 0 to 100% फुल चार्ज होने में। सो यही दो चेंजेस के साथ OnePlus Note 2T देखने को मिल गया है OnePlus Note 2 के कंपैरिजन में, जिससे रियल लाइफ में हमें उतना ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल हमें दोनों स्मार्टफोन सेम ही देखने को मिल जाती है। कैमरे के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन से हमें सेम फोटोज देखने को मिलते हैं, सेम सेंसर का यूज किया गया है दोनों स्मार्टफोन में, सोनी IMX766 वाला 50MP का मेन सेंसर, अल्ट्रावाइड लेंस भी सेम ही है, एंड फ्रंट की साइड हमें 32MP का सेंसर देखने को मिलता है, जहां पर अभी भी 1080p@30fps तक की हमें वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो 2022 में एक 30,000 के स्मार्टफोन के हिसाब से, एंड जहां पर 32MP का सेंसर हमें देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से ये एकदम भी हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता। और अभी भी इस स्मार्टफोन में सेम ही डिस्प्ले देखने को मिल गया है 6.43 इंच का 90Hz वाला एमोलेड पैनल, जो हमें OnePlus Note 2 में भी देखने को मिल गया था कोई चेंजेस के साथ देखने को नहीं मिलता, एंड एक 29,000 की प्राइस के हिसाब से इसमें हमें 120Hz मिनिमम देना चाहिए था, क्योंकि 20,000 के ऊपर के हमें जितने भी स्मार्टफोन अभी देखने को मिल रहे हैं सारे ज्यादातर स्मार्टफोन में
120Hz हमें मिनिमम देखने को मिलने जा रही है। सो डिस्प्ले के मामले में हमें कुछ खास ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता। सो अब कंक्लूजन की बात करो तो ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही ज्यादा कुछ चेंजेस के साथ है फिर बहुत ही ज्यादा अपग्रेड के साथ देखने को नहीं मिलता। बेसिकली वन प्लस नॉट टू ही देखने को मिलता है, सिर्फ स्लाइटली हार्डवेयर में चेंजेस देखने को मिल रहा है जो हमें रियल लाइफ में उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा। इससे बेहतर आप किसी और स्मार्टफोन को देखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा आपको डील मिल जाएगा 30,000 के प्राइस ब्रैकेट पे। और इसके बाद भी नथिंग भी अपने के स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं, नथिंग फोन 1, सो वो भी शायद हमें इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफी ज्यादा हमें बेहतर डिजाइन देखने को मिलते हैं, बेहतर डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, कैमरा भी शायद हमें अच्छा देखने को मिल जाएगा। अभी रियल लाइफ में टेस्ट के बाद ही मालूम चलेगा कि उस स्मार्टफोन के कैमरे भी कैसे परफॉर्म करते हैं। सो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं या फिर आप इस स्मार्टफोन की स्किप करके और कोई दूसरे स्मार्टफोन को इस प्राइस सेगमेंट पे देख सकते हैं। जैसे कि हमें आईपी की तरफ से आईफोन नियो 6 देखने को मिलता है, रिसेंटली लॉन्च हमें पोको की तरफ से पोको F4 5G देखने को मिलता है, जिसमें स्पेसिफिकेशन हमें टॉप नॉच लेवल के देखने को मिल रहा है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के जैसा। सो वाला वीडियो भी खत्म होता है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हो और कमेंट करके जरूर बोलना आपको इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचना है। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से भाई सब्सक्राइब कर लेना, एक काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको ऐसे वीडियो बनाने में। सो इसी के साथ ही वाला वीडियो खत्म करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।